नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के मुख्य बाजार में दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत होगी, जिसमें एक बाइक सवार चुड़ियाला निवासी दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। रविवार को चुड़ियाला निवासी शोएब पुत्र शाकिर अपने साथी रहीम पुत्र नईम के साथ अपनी बाइक से मीरापुर आया था। जैसे ही ये कस्बे के मोहल्ला कमलियान के मुख्य बाजार में पहुंचे, तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक ने इनकी बाइक में आमने सामने की टक्कर मार दी, जिसमें शोएब व रहीम सड़क पर गिर गए और दोनों के सर में गंभीर चोटें आ गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस व एक स्वाट पर दुर्घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे कस्बा इंचार्ज अजय बालियान ने एम्बुलेंस से घायलों को उपचार के लिए जानसर चिकित्सालय भिजवाया, जहां से गंभीर हालत के चलते दोनों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव और सीओ जानसर शकील अहमद के निर्देशन में रविवार को मीरापुर में रामराज पुलिस ने कोरोना कोविड महामारी व ईद व रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर रखते हुए नागरिकों की सुरक्षा, कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर मीरापुर पुलिस ने भूमा अड्डा, मेन बाजार, बीआईटी चौकी कस्बे के मुख्य बाजार और रामराज पुलिस ने बिजनौर बॉर्डर की बैराज चौकी पर रामराज में मेरठ के बॉर्डर पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की और बिना वजह सड़कों पर अपने वाहन लेकर घूम रहे वाहनों के चालान काटे। सघन वाहन चेकिंग से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। एक तरफ जहां केंद्र व प्रदेश सरकार सफाई व्यवस्था को लेकर निरंतर अभियान चलाती रहती है, तो वहीं ग्रामों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण ग्रामवासी नर के जीवन जीने को मजबूर है। मामला रामराज के गाँव लालपुर रहेडवा का है। सफाई व्यवस्था सही न होने के कारण ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान व सचिव ने आज तक कोई भी विकास कार्य मानक के अनुरूप नहीं कराया है। वहीं स्कूल में फैली गंदगी को लेकर ग्रामीणों ने भारी रोष व्याप्त किया। प्राथमिक विद्यालय लालपुर के पास फैली गंदगी और जल भराव का ग्राम प्रधान द्वारा आज तक निस्तारण नहीं कराया गया। कई बार ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से मिट्टी भराव आदि कराने के लिए भी कहा, लेकिन ग्राम प्रधान आज तक ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान स्वच्छ भारत अभियान व नमामि गंगे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो हमारा स्कूल है, यहाँ पे आए दिन इधर गड्ढा है, इधर गड्ढा है, कोई ना कोई बच्चा ये रहता है, वो डल जाए, गिर जाए तो दिक्कत हो जाएगी उसे। तो मेरा ये कहना है जल भराव के, जल भराव इधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है जी। तो मेरा विधायक से कहना ये है कि इसका भराव हो जाए, स्कूल का चार दीवारी, हाँ चार दीवारी और भराव हो जाए तो अच्छा रहेगा जी। सर आपने सचिव से या किसी अधिकारी से लेके बात नहीं की इस मामले में? हमने तो प्रधान से एक दो बार कहा कि भाई इसका भराव कराओ जी। इसके बारे में प्रधान जी पता होगा, उन्होंने कहा कहा या नहीं कहा। जैसे कि सर हमने देखा है वो शौचालय हैं, बालिकाएं शौचालय हैं, बहुत बुरी तरीके से खराब हो पड़े हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? बाप इसके बारे में ये कहना है कि जो भी है अधिकारी, अब जो प्रधान के पास तो रहा नहीं, अब जो भी है आदेश जिनके पास भी अधिकारी के लोगों के पास है, वो इसका ध्यान रखे और सुचारू रूप से चलना चाहिए। सही जी। ओके, थैंक यू। जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत हुसैनपुर में ग्राम प्रधान और सचिव पर बिना बारिश रास्ते में जल भराव के कारण ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत हुसैनपुर के रास्ते पर पानी भरा होने के कारण ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा तालाब व नाली की सफाई न होने के कारण इस रास्ते में पानी भरा रहता है, जबकि यह रास्ता हुसैनपुर से गाँव सियाली में पहुँचता है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गाँव में एक तालाब है, जिसकी आज तक ग्राम प्रधान व किसी भी अधिकारी ने तालाब की तरफ को जाकर भी नहीं देखा, जिसकी वजह से गांव के मेन रास्ते पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से किसानों को भी रास्ता खराब होने की वजह से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन ग्राम प्रधान के 5 साल पूरे होने को हैं, ग्राम प्रधान ने आज तक इस तालाब व नाले की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से रास्ते में पानी भरा हुआ है और आने जाने वालों का बुरा हाल है। समस्या ये है जी, हमारे यहाँ पे हमेशा जल भराव रहता है, करीब इस सड़क पे 1.5 किलोमीटर तक हमारे यहाँ पे गाँव में। ये जो सड़क है, ये जो सड़क है मैं आपको दिखा दूँ जी, इस सड़क पे कितने लंबी है सर? ये सर ये 1.5 किलोमीटर है करीब। 1.5 किलोमीटर है जी। तो इसको लेकर क्या समस्या है? हमारे यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। गांव से बाहर नाला तो है, लेकिन इस पानी को वहाँ तक पहुँचाने के लिए व्यवस्था नहीं है। ना ही गांव में अच्छी नालियाँ हैं, ना ही जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है। किसानों को इस समस्या का बहुत बुरी तरह से सामना करना पड़ता है, और जितने भी लोग यहाँ से निकलते हैं
उन्हीं को इस समस्या का बहुत मतलब गंभीर तरह से सामना करना पड़ता है। लोगों ने अपने खेतों के किनारे डोल लगा दी है, कोई भी इसका गंदा पानी अपने खेतों में नहीं लेना चाहता। फसल बर्बाद हो रही है सभी की, और इस समस्या का सामना करना अब कठिन है क्योंकि ऊपर से बरसात भी है, बरसात हो रही है और खेतों में गंदा पानी है, कोई अपनी फसल को बर्बाद नहीं करना चाहता। ग्राम प्रधान को आपने सूचित नहीं किया? जी सभी को उन्हें पता है, सूचित किया है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अब तो अभी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि सभी क्षेत्रों के जितने नाले हैं बड़े बड़े, वो सब सफा हुए हैं। आपके यहाँ भी शायद मुझे लगता है लालपुर, हड़वा, चौहानपुर में भी हुए हैं। जी यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा, सिर्फ गांव में अंदर एक आध नाली साफ कर देते हैं और बस। बरसात को लेकर, देखिए बाढ़ को लेकर अभी जो अलर्ट है, सभी नाले की सफाई, गाँव में पानी जल भराव ना होना, तो ये जिम्मेवारी ग्राम प्रधान की बनती है, आपका मानना ये है? जी बनती है। तो आपने शिकायत की, कुछ नहीं हुआ? जी नहीं, हमने दो बार मुख्यमंत्री पोर्टल पे इसकी शिकायत डाली, मैंने खुद अपने आधार कार्ड से मुख्यमंत्री पोर्टल पे दो बार मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। उच्च अधिकारियों को? जी, मगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, ना कोई कॉल आई, ना कोई मैसेज आया। और मैंने 10 क्षेत्र पे भी कॉल की, उन्होंने कॉल रिसीव की, समस्या लिखी, मगर कोई रिसीव नहीं आया। अमरोहा के हसनपुर पतेह खादर में नालियों के पानी से सड़क पर हो रहे जलभराव को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजा है। तहसील क्षेत्र के गांव पतेह खादर निवासी ग्रामीणों ने बरसों से शिकायतों के बाद भी जल निकासी का समाधान नहीं होने पर मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजकर जल निकासी किए जाने की मांग की है। आरोपी के एक वर्ष से लगातार मांग करने के बाद भी अभी तक गाँव की दुर्दशा नहीं सुधरी है और गाँव में जलभराव की समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे नालियों का पानी सड़क पर इकट्ठा होने से संचारी रोगों में भी बढ़ोतरी हो रही है और गाँव में अधिकांश लोग बीमार पड़े हैं। कोरोना के चलते जहां सरकार स्वच्छता का संदेश दे रही है, वहीं संबंधित अधिकारी एवं ग्राम प्रधान इसका पालन करने को तैयार नहीं है। अमरोहा के हसनपुर शासन की गाइडलाइन के अनुसार नगर में सभी राखियों की एवं मिठाइयों की दुकानें खुली। जहां शनिवार रविवार पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित किया गया था, वहीं ईद एवं रक्षाबंधन के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए शासन की गाइडलाइन के अनुसार राखियां एवं मिठाइयों की दुकानें खोल दी गई हैं, जिससे शनिवार से लेकर रविवार तक लगातार मिठाइयां और राखियों की दुकानें सजने लगी। साथ ही आने जाने वाले लोग राखियां एवं मिठाई की खरीदारी करने लगे। वहीं बाजार भर में राखियों एवं मिठाई की दुकानों को छोड़कर सन्नाटा पसरा रहा। अमरोहा के हसनपुर में कोरोना संक्रमण एवं लॉकडाउन के कारण नगर पालिका द्वारा नगर के मेन बाजार को सैनिटाइज कराया गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण एवं लॉकडाउन के दौरान नगर पालिका परिषद स्वच्छता प्रेरक शादाब टाटा के निर्देशों पर अधिशासी अधिकारी निहाल सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर नगर के मेन बाजार सहित विभिन्न मोहल्लों को सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अधिशासी अधिकारी निहाल सिंह ने बताया कि संचारी रोग एवं कोरोना संक्रमण के चलते बाजार में पूरे तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। अमरोहा के हसनपुर में पीएनबी का एटीएम खुला तो लोगों की भीड़ जमा होने लगी और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। नगर के अमरोहा बस स्टैंड रोड राजपूत कॉलोनी में पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम जहां खुल गया है, वहीं एटीएम पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ा गई। लेकिन वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कोई भी अधिकारी कर्मचारी या सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था और एटीएम की सुरक्षा राम भरोसे छोड़ दी गई। अमरोहा के हसनपुर में बच्चा चोरी के बाद सीएससी से बाइक भी चोरी होनी शुरू हो गई है और अभी तक इसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जहां पर पीड़ित काफी दिनों से परेशान घूम रहा है। कोतवाली क्षेत्र के गांव मंगरोला निवासी रविंद्र पुत्र कुंदन सिंह अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा के दौरान 3 दिन पूर्व नगर के सीएससी केंद्र पर लाया था, जहां उसकी पत्नी ने शिशु को जन्म दिया था, जिसके लिए पीड़ित चाय लेने के लिए गया था और जब चाय ले जाकर महिला वार्ड में दी और उसके बाद 5 मिनट के बाद वह अंदर से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी बाइक मौके से गायब थी। काफी देर ढूंढने के बाद भी बाइक का कोई सुराग नहीं लगा। उसने बाइक चोरी की तहरीर कोतवाली में देकर बरामदगी की मांग की, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी बाइक बरामद की तो दूर, अभी तक पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है।
अमरोहा के हसनपुर में पार्किंग ठेकेदार द्वारा वाहन चालकों से पार्किंग शुल्क के रूप में वसूले जा रहे 53 रुपए 10 पैसे की जगह पर 60 रुपए की लूट की जा रही है। आपको बता दें कि गंगा नगरी ब्रज घाट में जहां पर पार्किंग का ठेका छुटा हुआ है, जिसमें चार पहिया वाहन की पार्किंग के लिए 53 रुपए 10 पैसे की पर्ची काटी जाती है, तो वहीं ठेकेदार द्वारा वाहन चालकों से अवैध रूप से 60 रुपए प्रति वाहन शुल्क वसूला जा रहा है, जिसमें 53 रुपए 10 पैसे की पर्ची दी जा रही है, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। वहीं उन्होंने सारा मामला खोलकर मीडिया के सामने रख दिया। आनन-फानन में ठेकेदार ने कुछ दलालों को बुलाकर मामला सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन मामला नहीं निपट सका। वहीं ठेकेदार द्वारा मीडिया के साथ अभद्रता करते हुए कुछ भी कर लेने की धमकी दी गई। जनपद शामली के गांव जलालाबाद देहात की कॉलोनी भास्कर मंडी में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। जलालाबाद रेलवे स्टेशन स्थित भास्कर मंडी निवासी युवक दिल्ली की प्राइवेट कंपनी में काम करता था। कंपनी में काम करते समय पूरे स्टाफ का कोरोना सैंपल लिया गया था। युवक सैंपल की रिपोर्ट आने से पहले ही दिल्ली से टैक्सी करके अपने घर भास्कर मंडी जलालाबाद आ गया था। जब दिल्ली कोरोना सैंपल की रिपोर्ट आई तो उसमें युवक पॉजिटिव निकला। युवक के पॉजिटिव निकलने के बाद युवक का पता किया गया तो युवक दिल्ली से अपने घर पहुंच गया था। सुबह के समय कंट्रोल रूम से रिपोर्ट का पता लगने पर थाना भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर दिग्विजय के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम आई और युवक को कोविड-19 हॉस्पिटल झिंझाना के लिए लेकर चली गई। युवक दिल्ली से आकर घर में ही क्वारंटाइन था। युवक के घर से 100 मीटर के एरिए को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा युवक के परिवारजनों व आसपास के 100 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।